तो विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर होम वोटिंग आज से है। बीएलओ देंगे वोट डालने का विकल्प। प्रदेश के 62,927 मतदाता होम वोटिंग कर सकेंगे। जयपुर जिले के 19 विधानसभा सीटों पर भी होम वोटिंग होगी। 7,000 से ज्यादा वोटर्स को होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। 80 साल से ज्यादा आयु वर्ग के 6 अजमेर से शुभम जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर से शिवप्रकाश भी हमारे साथ है। वहीं राजधानी जयपुर से विनोद ने हमें जानकारी दी थी। तो सबसे पहले जोधपुर का ही रुख करते हैं। शिवप्रकाश, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसी सुविधा दी जा रही है। जी, निश्चित रूप से प्रदेश में पहली बार होम वोटिंग की जो है सुविधा दी जा रही है। और जोधपुर को अगर बात की जाए तो जोधपुर जिले में जिला प्रशासन की ओर से लगभग 2800 मतदाता हैं, उनको होम वोटिंग की जो सुविधा का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। और पहले चरण की जोधपुर में वोटिंग 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच होगी। ऐसा माना जा रहा है कि 16 और 17 दो दिन में ही जो है सभी होम वोटिंग की प्रक्रिया है उसको पूरा कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है या जो कोई किसी कारण से इन चरण में अगर वोट नहीं कर पाता तो जो दूसरा चरण है उसमें हम उसको होम वोटिंग की सुविधा देंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 16 तारीख से हमारे यहाँ जोधपुर में होम वोटिंग शुरू होगी और 16 और 17 दो दिन में जो 2800 जिनको होम वोटिंग के लिए चिन्हित किया गया है मतदाता, उन सभी को मतदान की प्रक्रिया है उनको पूरा करा दिया जाएगा। जी चलिए ठीक है, रिस्पॉन्स भी आपसे जानेंगे। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, आपके पास क्या जानकारी है, किस तरीके की तैयारी है भीएलओ द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए जो होम वोटिंग की जो प्रक्रिया ऐसा की जा रही है वो पहली बार राजस्थान के अंदर की जा रही है। और जो बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं उनको कहीं ना कहीं जो बूथों तक नहीं पहुंच सकते उनको कहीं ना कहीं सुविधा देने के प्रयास से ये पहला आविष्कार जो है राजस्थान में किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर के अंदर करीबन 61,866 बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें से खाली 1,813 जो मतदाता हैं उन्होंने अपनी रुचि घर पर वोटिंग के लिए बताई है। और उसके अलावा जो बाकी के जो मतदाता हैं उन्होंने बूथ जाने का ही फैसला किया है। लेकिन जो अगर बात करें अजमेर की, अजमेर जिले की जो 8 विधानसभाएं उन पर जो तैयारियां हैं वो अब टीमें रवाना होने को है, या फिर जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो उन टीमों को रवाना करेंगे। अजमेर की अगर बात करें, अजमेर के अंदर जो बुजुर्ग मतदाताओं की जो टीम है उसके अंदर प्रत्येक टीम के अंदर सुपरवाइजर होंगे। 10-10 टीमें जो हैं वो बनाई गई है प्रत्येक विधानसभा के अंदर। 10-10 टीमें आप देख सकते हैं, जो ये टीमें जारी हैं ये वही टीमें हैं जो ये जारी है, ये वही टीमें हैं और यही जो टीमें हैं ये मतदान कराएंगी। और प्रत्येक टीम के अंदर ऑब्जर्वरों की निगरानी के अंदर फैक्टर वाइज जो होम वोटिंग पोस्टर है वो पोस्टर बैलेट के जरिए वो जाएगी। और जो टीम है उसके अंदर करीबन माइक्रो ऑब्जर्वर है, पीआरओ है, पीओ है, दो पुलिसकर्मी और एक वीडियोग्राफर भी शामिल किया गया है। करीबन 5 से 6 लोगों की टीम है जो प्रत्येक जहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उधर जाएगी और उधर जाकर के वो टीमें जो है वो पोलिंग कराएगी। लेकिन प्रत्येक विधानसभा की बात करें तो 10-10 टीम है तो 8 विधानसभा की 80 टीमें जो है यहाँ पर बनाई गई है और 80 टीमों को अब यहाँ रवाना किया गया है। हालांकि मतदाताओं की संख्या कम है लेकिन समय ज्यादा लगता है, जिस कारण से आज से लेकर 19 तारीख तक पहला चरण रहेगा। और अगर कोई मतदाता घर पर किसी कारणवश नहीं मिलता है तो 20 और 21 तारीख को पुनः उसे संपर्क साधा जाएगा और उसके यहाँ पर पोलिंग कराई जाएगी। तो ये तैयारियां जो है वो पूरी पहले ही कर ली गई थी, कई बार ट्रेनिंग दी गई थी जो तमाम अधिकारी जो कर्मचारी उसके अंदर पोलिंग पार्टी के अंदर हैं उनको ट्रेनिंग दी गई थी, उसके बाद फाइनल ट्रेनिंग कल दी गई और आज जो चुनाव है जो होम वोटिंग है वो आज से शुरू होगी। और प्रत्येक विधानसभा में 10-10 टीमें जो है वो रवाना हो चुकी हैं और कुछ ही देर के अंदर जो वोटिंग प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है शुभम, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि पूरी तैयारी कर ली गई है और घर घर पहुंचा भी जाएगा, संख्या कम है लेकिन फिर भी बहुत एहतियातन बरतनी होगी क्योंकि एक एक वोट की कीमत क्या होती है ये हर कोई जानता है और वो नेता जानता है जो एक वोट से रह गया था। लेकिन सर आप ये बताइए कि इस वोटिंग के बाद ये पहला फेज है, लेकिन आफ्टर दिस यानी कि इस वोटिंग के बाद किस तरीके की सिक्योरिटी रहेगी, मतलब इसे लेकर क्या तैयारी है? The cat sat on the mat.
देखिए पूनम, मैं आपको बताऊं कि जो मतदान है, जिस तरीके से जो मतदान पेटियां होती है, जो ईवीएम रखी जाती है, जब मतदान हो जाता है तो वो स्ट्रांग रूम बनाया जाता है, तो उस स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ा जाप्ता रहता है, किसी तरीके की कोई हलचल वहाँ पे नहीं हो उसका ध्यान रखा जाता है, सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी वगैरह सब कराई जाती है, वही चीज़ यहाँ पे की जाएगी। तमाम जो 1800 जो वोट हैं, 1813 जो मतदान पड़ेंगे, वो मतदान जो है वो करीबन यहाँ पे एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वो यहाँ पे जो जिला विधानसभा मुख्यालय है वहाँ पे सभी जगहों पे स्ट्रांग रूम बनाया गया है, और वहाँ पर ही वो बैलेट पेपर सेफ रखे जाएंगे और पैक सील पैक डब्बों के अंदर रखे जाएंगे, क्योंकि तमाम व्यवस्था की गई है, वीडियोग्राफी की जा रही है, कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस का जाप्ता भी तैनात किया गया है उस स्ट्रांग रूम के बाहर। तो जिस दिन मतगणना होगी 3 दिसंबर को, तब ये पेटियाँ वहाँ पर पहुँचेगी जहाँ पे मतदान केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे मतगणना केंद्र बनाया गया है वहाँ पर ये पेटियाँ पहुँचेगी, प्रत्येक विधानसभा के जो केंद्र हैं वहाँ पर पहुँच करके फिर काउंटिंग के अंदर इनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो काउंटिंग होती है वो पहली जो काउंटिंग होती है वो पोस्टल बैलेट पेपर की होती है, तो अब ये जो होम वोटिंग करवाई जाएगी इन बैलेट पेपरों को भी उसके अंदर साथ में जोड़ा जाएगा और पहले राउंड की प्रक्रिया के अंदर ये शामिल होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहली बार ये प्रक्रिया अपनाई गई है, कुछ लोगों को जानकारी कम थी, कुछ लोगों को जानकारी थी, 65,000 के जो बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता है उनमें से मात्र 1800 से अधिक मतदाताओं ने इसमें रुचि दिखाई है। हालांकि हो सकता है कि अगले जो चुनाव हो उसके अंदर जब ये फुल फ्लेश तरीके से व्यवस्था होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर शामिल होंगे और होम वोटिंग का। ठीक है शुभम, जान लेते हैं अभी जोधपुर में इस तरह की क्या तैयारी की गई है। शिवप्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी जयपुर से। लेकिन शिवप्रकाश, सबसे पहले आप बताइएगा कि तैयारी किस तरीके की गई है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी, जैसे शुभम ने बताया, क्या जोधपुर में भी ऐसी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी, सिक्योरिटी के लिहाज से अगर बात की जाए तो जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता है, उन्होंने बताया कि जो भी यहां होम वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन सभी बैलेट पेपर को पॉलिटिंग कॉलेज का जो स्ट्रांग रूम है वहां सुरक्षित रखा जाएगा। वहां पहले से ही सशस्त्र सुरक्षा बल है वो तैनात किया गया है, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे के जरिए उस स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है, क्योंकि यह पहला प्रयोग है तो हो सकता है इस पहले प्रयोग में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई टेक्निकली दिक्कत भी आए, लेकिन इसको लेकर के लगातार अलग अलग फेज में ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी, अंतिम चरण की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और अब 16 तारीख से जो यहां होम वोटिंग शुरू होगी उसको लेकर के भी अब पोलिंग पार्टियां हैं वो 15 तारीख को इसके लिए रवाना होगी। और ऐसे मतदाता, जिस मैं बताऊं कि अगर जोधपुर की बात करें तो लगभग 27 लाख मतदाता जोधपुर जिले में हैं और 2800 लोग हैं जिन्होंने होम वोटिंग के लिए अपना चयन कराया है, तो निश्चित रूप से अगर ये 2800 मत बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 1% जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ेगा। लोकतंत्र में इसका बहुत अधिक महत्व है, एक एक वोट की कीमत है और सभी लोग इसको जानते हैं। चुनाव आयोग का भी यह प्रयास है कि अधिक से अधिक पोलिंग हो, 100% पोलिंग हो, तो एक बेहतर कदम इसको माना जा रहा है और देखना होगा आने वाले दिनों में अगर यह पहला चरण यहां सफल होता है तो निश्चित रूप से जब लोकसभा चुनाव 6 महीने बाद होंगे तो इसमें ज्यादा उत्साह नजर आएगा मतदाताओं में। और इस बार जो है आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग हैं उनको भी होम वोटिंग की सुविधा दी गई है, जिसमें पहली बार मीडिया कर्मियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है कि अगर वह कहीं कवरेज के क्षेत्र बाहर जा रहे हैं तो वो भी होम वोटिंग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने इस बार एक नया कदम राजस्थान के लिए उठाया है और अब इसको लेकर के आने वाले दिनों में और उत्साह देखने को मिलेगा और खासतौर से लोकसभा चुनाव में इसका खासा प्रभाव भी नजर आएगा। ठीक है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ना चाहिए, ये हर किसी पार्टी की कोशिश भी रहती है और खुद चुनाव विभाग भी इसे लेकर सक्रिय रहता है। राजधानी जयपुर से विनोद सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपने मॉर्निंग में भी जानकारी दी थी विस्तार से, दूसरे चरण का भी बताइएगा कि वो कब होने जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से जरा बताइए किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके की व्यवस्था और अब तक कितने लोगों ने चयन करवा दिया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं पूरे प्रदेश में सिक्योरिटी यानी सुरक्षा को लेके माकूल इंतजाम है, सभी जगह एक जैसे इंतजाम किए गए। यहां पर जो 19 विधानसभा क्षेत्र हैं जयपुर जिले के, वो कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में उनके स्ट्रांग रूम रहेंगे, वहीं पर मतगणना का काम होगा तो वहीं ये सारे बैलेट पेपर पहुंचेंगे और कड़े सुरक्षा घेरे में रहेंगे। अब हम बात करते हैं पोलिंग पार्टियों की, तो आज पहली बार ये प्रक्रिया अपनाई गई है, तो मैं आपको बता दूं जैसे 19 विधानसभा क्षेत्र हैं और अगर एक विधानसभा क्षेत्र अपन लेते हैं आदर्श नगर, तो आदर्श नगर में आज 10 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, मात्र 88 बुजुर्ग और जो दिव्यांग हैं उनका चयन किया गया पहले दिन। तो आप देखेंगे कि बड़ी सरल प्रक्रिया रहेगी, एक पोलिंग पार्टी के खाते में 8 से 10 मतदाता आएंगे जिनसे आराम से बातचीत के आधार पर बैलेट दिया जाएगा, सुरक्षा के जरिए सारा काम होगा। बड़ी बात यह है कि वहां पर वीडियोग्राफी होगी, तो जो पोलिंग पार्टी है चुनाव आयोग की निगरानी में सारा काम होगा। पहले दिन जिस तरीके से एक विधानसभा में 88 है, वैसे ही कहीं 80 कहीं 70
विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या को देखते हुए आज पहला दिन जो है वो अपनाया गया है और शाम 6 बजे तक मतदाताओं से संपर्क कर बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं से संपर्क करके पोलिंग पार्टियां उनके बैलेट पेपर पे चुनाव चिन्ह जहां वो निशान लगाएंगे वो लेंगी, सील करेंगी और सुरक्षा घेरे के तहत उनको जमा कराया जाएगा। यह प्रक्रिया 19 तारीख तक चलेगी, उसके बाद 20 और 21 को भी जो दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता रह जाते हैं अभी वोट डालने से उनको 20 और 21 का समय भी मिलेगा। तो ऐसे में जब पहली व्यवस्था पहली बार हुई है तो सुरक्षा के साथ सारा काम किया जा रहा है और पूरे राजस्थान में जहां 62,000 से अधिक दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता जो होम वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके तहत पूरे प्रदेश में एक ही प्रक्रिया अपनाई गई है और माकूल इंतजाम है सुरक्षा के ताकि कोई चूक ना हो। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई चूक नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहली दफा है और ऐसे में गफलत होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। लेकिन दूसरे चरण की अगर हम बात करें क्योंकि पहला फेज अगर सक्सेसफुल रहेगा तो दूसरे की गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाती है विनोद, और राजधानी जयपुर पर हर किसी की नजर रहती है। और जरा बताइए विस्तार से क्योंकि इस बीच इलेक्शन भी है, 25 तारीख भी करीब आ रही है, लेकिन उससे पहले इस प्रक्रिया को भी पूरा करना है, तो क्या व्यवस्थाएं संभल पाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने पहले ही बताया कि कम मतदाता चुने गए हैं 14 तारीख से 19 तारीख के समय को, सारे मतदाता जो 7,000 से अधिक मतदाता हैं 19 विधानसभा क्षेत्रों में, जिनमें 6,328 तो बुजुर्ग हैं और 902 दिव्यांग हैं, तो उनको बांटा गया है 19 विधानसभा क्षेत्र में। पोलिंग पार्टियां लगाई हैं, 10-10 पार्टियां सुरक्षा घेरे में जा रही हैं, वीडियोग्राफी करेंगी, तो ऐसे में प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। देखिए अगर 2 ही दिन का समय मिलता तो कहीं ना कहीं चूक होने की संभावना थी, लेकिन 4 से 5 दिन का समय मिला है, उसके बाद भी 2 दिन का समय मिलेगा, तो सप्ताह भर के दौरान सभी को टच किया जाएगा। बड़ी संख्या में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं, तो हमें लगता है कि इस बार जो चुनाव आयोग ने पहला प्रयोग किया है वो निश्चित तौर पर सफल रहने वाला है, क्योंकि समय पूरा दिया गया है, बड़ी संख्या है, पोलिंग पार्टियों की संख्या है, सुरक्षा घेरे में काम हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, जो बैलेट पेपर हैं वो सुरक्षा घेरे में रखे जाएंगे, तमाम सुरक्षा के जो माकूल इंतजाम होने चाहिए चुनाव को देखते हुए उससे कड़ी सुरक्षा है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि फिलहाल चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए ठीक है, हम भी यही उम्मीद करेंगे कोई चूक नहीं होनी चाहिए क्योंकि वाकई में पहल बेहद सराहनीय है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस जानकारी के लिए।